हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ द बेसिक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था अप टू द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, लेकिन इसकी नोटिंग बाकी थी तो आज हम लोग इसकी नोटिंग कर लेंगे। ठीक है, आपको ये बुक में लिखना है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहले अपने सामने है अग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज़ अ रिजल्ट, क्या बोला इन्होंने, पार्टनरशिप इज़ अ रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। किस चीज़ का रिजल्ट है ये? अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। क्वेश्चन पूछूं, अग्रीमेंट कितने प्रकार के होते हैं? सर, अग्रीमेंट दो प्रकार के होंगे, ओरल अग्रीमेंट एंड रिटन अग्रीमेंट। अच्छा, कौन सा अग्रीमेंट एडवाइजेबल है? सर, रिटन अग्रीमेंट इज ऑलवेज एडवाइजेबल बिकॉज एविडेंस के स्वरूप में वो काम आएगा। आगे लिखा है इट कुड बी रिटन और ओरल। अ रिटन एग्रीमेंट, देखो जो रिटन एग्रीमेंट है, अ रिटन एग्रीमेंट इज प्रेफर्ड सो दैट इट कैन बी यूज एज अ प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड सच रिटन एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपको डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। आंसर क्या आएगा? रिटन एग्रीमेंट इज A written agreement between the partners is known as partnership deed. Number of partners मतलब minimum दो members चाहिए, सवाल ही नहीं उठता, definition ही क्या बोलता है, two or more person। तो minimum two partners are needed to start a partnership firm and maximum numbers of partners are 50 according to the Companies Act 2013। न्यू रूल क्या है कंपनीज एक्ट के हिसाब से? नए जो मेंबर्स हैं वो कितने होंगे? 50। ठीक है, जो अमेंडमेंट हो चुका 2014। इसके पहले जो मेंबर्स की लिमिट है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस अगर बैंकिंग बिजनेस है, मतलब पार्टनर्स मिला के बैंक का कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो मैक्सिमम 10 पार्टनर्स अलाउड थे। एंड अगर नॉन बैंकिंग बिजनेस था तो वो 20 पार्टनर्स अलाउड थे। लेकिन अभी लिमिट क्या कर दिया है उन्होंने, कुछ डिफरेंशिएट नहीं किया, मैक्सिमम इज 50 नाउ। तो आपको एग्जाम में आएगा नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, करेक्ट। चलो आगे चलते हैं। लॉफुल बिजनेस, ऑफ कोर्स बिजनेस अंडरटेकन बाय पार्टनरशिप शुड बी लॉफुल। अगर वो लॉफुल नहीं है तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। इट कैन नॉट अंडरटेक बिजनेस विच इज नॉट अलाउड बाय स्टेट, मतलब आपका जो लॉ है वो आपको अलाउ नहीं कर रहा है तो वो बिजनेस आपको करना सख्त मना है। द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप ऑल्सो डज नॉट परमिट एनी इलीगल बिजनेस, बिकॉज डेफिनेशन में देखो यहां पे क्या लिखा था, लॉफुल बिजनेस। सर लॉफुल मतलब एग्जैक्टली क्या? लॉफुल मतलब जो बिजनेस करने के लिए लॉ कानून आपको मना नहीं करेगा, दैट इज अ लॉफुल बिजनेस। नेक्स्ट, इट कैन नॉट अंडरटेक बिजनेस विच इज नॉट अलाउड बाय स्टेट, द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप डिड ऑल्सो परमिट एनी इलीगल बिजनेस। फोर्थ, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। द पर्पज ऑफ पार्टनरशिप इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, द मेन मोटिव क्या है भाई? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। पार्टनर्स हैव टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस अकॉर्डिंग टू द रेशियो गिवन इन द अग्रीमेंट। देखो एक पार्टनर जो पार्टनर्स का ग्रुप है वो एक साथ बैठ के डिस्कस करेगा कि पार्टनरशिप में से जो बेनिफिट होगा, जो प्रॉफिट आएगा, उसका रेशियो कैसे डिवाइड होगा। तो जो एग्रीड रेशियो होगा उसी रेशियो में आपको प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, बट अगर अग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है, या ऐसा कोई वादा इन पार्टनर्स ने नहीं किया तो क्या होगा? तो सर अगर देर इज नो डीड, देर इज नो एग्रीमेंट, या फिर एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द शेयरिंग रेशियो, देन इट विल बी इक्वल। बात समझा? बहुत समय पे ऐसा होता है ना कि मान लो अभी यहाँ पे पार्टनर्स है, ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर, बहुत ज़्यादा जोश में आ गए, नहीं सर बिजनेस करेंगे बिजनेस करेंगे, और जोश में आके इन्होंने अग्रीमेंट बनाया नहीं। अरे सर हम भाई भाई है, हमारे कि हम में क्या, मतलब बोलते ना हमने क्या झगड़ा होगा, ऐसा वैसा करके इन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, लेकिन इन्होंने कुछ अग्रीमेंट किया ही नहीं आपस में कि कैसा बिजनेस करेंगे, कहाँ तक लेके जाएंगे, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होगा, ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं किया। तो ऐसे केसेस में जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो क्या होगा? इक्वल।
आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, तो अभी बस मान के चलो प्रॉफिट एंड लॉस अगर जैसा अग्रीड है उस हिसाब से करो, लेकिन अग्रीमेंट नहीं है तो आपको इक्वल करना पड़ेगा. सो रेशियो गिवन इन द अग्रीमेंट एंड इफ इट इज नॉट गिवन लाइक साइलेंट अबाउट द रेशियो देन इट विल बी इक्वल, याद रखना ठीक है. अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफकोर्स द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड जॉइंट एंड सेवरल. ये वर्ड को बहुत गहराई से देखो, अनलिमिटेड जॉइंट एंड सेवरल मतलब जॉइंट एंड सेवरल. अनलिमिटेड समझ में आता है, इसमें मैंने पहले ही बता दिया था प्रीवियस वीडियो में. अनलिमिटेड मतलब अगर लाइबिलिटी का जो बिजनेस का एसेट अगर कम पड़ता है तो पर्सनल एसेट को भी बेचना पड़ेगा. लेकिन जॉइंट एंड सेवरल का मतलब क्या हो गया, तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं. जॉइंट एंड सेवरल एग्जैक्टली मीन्स वॉट, अभी ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा है ये कंसेप्ट. ये है पार्टनर, एंड ये अपना दूसरा पार्टनर थोड़ा मोटा है, नहीं ज़्यादा मोटा हो गया. हाँ ठीक है, अभी और एक पार्टनर है समझो अपना, अभी ये पार्टनर ए है, ये पार्टनर बी है, एंड ये पार्टनर सी है ठीक है. अभी मान लो ये भाई साहब ने, ये जो अपने पहले भाई साहब ए ने, इन्होंने कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जिसके वजह से ये मान लो पूरी फर्म है ठीक है, ये हो गई पूरी पार्टनरशिप फर्म, एंड ये हो गए पार्टनर्स. तो ये भाई साहब ने ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया जिसके कारण फर्म के ऊपर लाइबिलिटी आ गई, मान के चलो 1,00,000 रुपये की, ईजी वाला अमाउंट लेते हैं 90,000 रुपीज़ की. सर किसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, ये इसने, ये रहा नहीं, ये बदमाश ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन लाइबिलिटी किसके ऊपर अराइज हुई, पूरे फॉर्म के ऊपर. तो मुझे बोलो ये 90,000 रुपीज़ कौन भरेगा, ए भरेगा पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन सी एंड बी भरेंगे, या तीनों भरेंगे. सर आपने कहा जॉइंटली एंड सेवरली मतलब ये 90,000 जो है वो तीनों को भरना पड़ेगा इन द रेशो विच दे हैव डिसाइडेड इन द अग्रीमेंट. पार्टनरशिप डीड में बोला होगा ना कभी लाइबिलिटी अराइज होगा तो हर एक पार्टनर इतना इतना डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो वो लोग ने जैसा अग्रीमेंट किया है उस हिसाब से, अगर नहीं है तो जॉइंटली एंड सेवरली मतलब इक्वल रेशो में इनको लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी, उसका मीनिंग है जॉइंटली एंड सेवरली. मैं इतना एम्फोसाइज क्यों कर रहा हूँ ये पार्ट को, जब आप आगे जाके सी ए फाउंडेशन दोगे या सी एस फाउंडेशन दोगे, सी एस फाउंडेशन तो अभी है नहीं, लेकिन सी एम ए फाउंडेशन दोगे, तो वो सारे फाउंडेशन प्रोफेशनल एग्जाम्स में जब पार्टनरशिप एक्ट आएगा तो उसमें लाइबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जिसमें लाइबिलिटी स्पेसिफिकली कवर्ड है जॉइंटली एंड सेवरली ठीक है. कोई बच्चा फाउंडेशन के लिए अगर ये वीडियो देख रहा है तो उसको समझ में आया ही रहेगा. द लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड जॉइंट एंड सेवरल, दैट इज पार्टनर्स आर लायबल टिल द लास्ट रुपी. क्या बोला है, पार्टनर्स आर लायबल टिल द लास्ट रुपी ऑफ द पॉकेट, मतलब उसके पॉकेट में जितना है उतने तक उसको लाइबिलिटी पे करना पड़ेगा. इफ एसेट्स ऑफ बिजनेस इज नॉट सफिशियंट टू पे लाइबिलिटी, सबको हमने देखा था अगर बिजनेस के एसेट खत्म हो चुके हैं फिर भी अगर बिजनेस की लाइबिलिटी बाकी है तो पार्टनर्स को अपने पर्सनल एसेट भी बेचने पड़ेंगे. देन पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टनर्स कैन बी यूज इफ एनी वन ऑफ द पार्टनर इज डिक्लेयर इनसॉल्वेंट, सॉरी एनी वन पार्टनर इज डिक्लेयर सॉल्वेंट देन हिज लाइबिलिटी विल बी बॉर्न बाय सॉल्वेंट पार्टनर. तो यहाँ पे है प्रिंटिंग मिस्टेक, तो यहाँ पे ये सॉल्वेंट नहीं होगा, यहाँ पे ये इनसॉल्वेंट होगा, तो हम लोग इसको करेक्ट कर देते हैं. अच्छा बच्चों इनसॉल्वेंट मतलब, सर इनसॉल्वेंट मतलब कोई एक पार्टनर जिसका एसेट उसके लाइबिलिटी से कम है, मतलब उसकी लाइबिलिटी उसके ऊपर कर्जा ज्यादा है लेकिन उसके पास एसेट कम है. एग्जांपल 2,00,000 रुपये सामने वाले को देने हैं, 2,00,000 का कर्जा है और 50,000 का एसेट है, तो वो इंसॉल्वेंट बन जाएगा. और तो इंसॉल्वेंट के केस में इंसॉल्वेंट मान लो ये यही अपने एग्जांपल में लेते हैं, ये जो सी बंदा है ये बन गया इंसॉल्वेंट, कुछ किए कर्म किए और इंसॉल्वेंट बन गया. अभी इसका पैसा जो है ये जो 30,000 ये थोड़ी बेयर करेगा, अरे पैसा ही नहीं इसके पास, ये कौन बेयर करेगा, बाकी दो पार्टनर, ये 15,000 लेगा उसका और ये उसका 15,000 लेगा, तो ऐसे करके ये लोग टोटल 90,000 को पे कर देंगे. बात समझा, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो होता है वो कौन पे करेगा, सॉल्वेंट पार्टनर्स. देन
ओके. रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कंपल्सरी. हमने डिस्कस किया था ये चीज़, करेक्ट. सो महाराष्ट्र में हो तो फर्म इज कंपल्सरी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2005 से ये कंपल्सरी कर दिया गया है. अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप 1932 रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज ऑप्शनल. इट मीन्स अ फर्म मे और मे नॉट बी रजिस्टर्ड. रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म मेयरली सर्टिफाई इट्स एग्जिस्टेंस एंड इट इज अ प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन द रजिस्टर ऑफ रजिस्ट्रार. जो रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स है उसके अंदर अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपका नाम उस रजिस्टर में दर्ज हो जाएगा. सेकेंड बात, सर तो ऐसा क्यों रखा है? तो हमारे पास अगर कोई क्लाइंट आएगा, उस वो अगर हमें पूछ रहा है कि हमें पार्टनरशिप रजिस्टर्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो हम लोग क्या एडवाइस दें? सिंपल है बच्चों, उसको एडवाइस देने का कि हमेशा पार्टनरशिप रजिस्टर्ड करें, बिकॉज ये एक प्रूफ हो जाता है कि वो लीगली बिजनेस कर रहे हैं. सेकेंड चीज़, पार्टनरशिप के अगर ऊपर कोई केस, किसी ने केस किया, तो पार्टनरशिप उसको रिटेलिएट कर पाएगा, उसका केस का आंसर दे पाएगा. लेकिन अगर पार्टनरशिप इज नॉट रजिस्टर्ड तो पार्टनरशिप किसी के ऊपर स्यू नहीं कर सकता. स्यू का मतलब है केस, स्यू नहीं कर सकता, बात समझे? तो आप कोर्ट में नहीं लड़ पाओगे अगर आपकी फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो. तो एडवाइस क्या करने का, ये सब केस बता देने का क्लाइंट को, ऐसा ऐसा है, अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट हैं, अगर आप नहीं रजिस्ट्रेशन करते तो फ्यूचर में दिक्कत आएगी, करेक्ट. चलो ओके. देन जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. ईच पार्टनर इज अ जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म एंड सो नो पार्टनर कैन यूज अ प्रॉपर्टी फॉर अ पर्सनल यूज. बिजनेस का कोई भी प्रॉपर्टी कोई भी पार्टनर पर्सनल पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकता. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ईच पार्टनर इज अ जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. अभी ऑल पार्टनर्स हैव इक्वल राइट इन द मैनेजिंग द फर्म. सारे पार्टनर्स के पास इक्वल राइट्स दिए गए हैं. सो ऑल पार्टनर्स आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. ओके. प्रिंसिपल एंड एजेंट, ये भी हमने कल डिस्कस कर लिया था. ईच पार्टनर वर्क्स इन अ टू फोल्ड कैपेसिटीज, मतलब दो प्रकार से, प्रिंसिपल एंड एजेंट. अभी मैं इसका किस्सा बताता हूँ, प्रिंसिपल एंड एजेंट का किस्सा क्या है, यही बात यही एग्जांपल में समझ लेते हैं. देखो प्रिंसिपल एजेंट क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये प्रिंसिपल है एंड ये एजेंट है, ठीक है. प्रिंसिपल क्या करता है, एजेंट को कुछ वर्क अलॉट करेगा, बराबर है. वो वर्क अलॉट करने में अगर एजेंट ने कुछ मिस्टेक करी, एजेंट ने कुछ गलती करी, तो उसका जिम्मेदार एजेंट नहीं होगा, उसका जिम्मेदार प्रिंसिपल होगा. कौन होगा? प्रिंसिपल, बात समझे? तो प्रिंसिपल एजेंट में यही मेन इसका फीचर है कि अगर कोई भी एक्ट, कोई भी उसने कर्म अगर एजेंट ने किए हैं तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? प्रिंसिपल. लेकिन पार्टनरशिप में क्या बोला है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल एजेंट दोनों है. अरे मतलब अगर पार्टनर ए प्रिंसिपल बनेगा तो पार्टनर बी एजेंट बन जाएगा, लेकिन उसी समय पे पार्टनर बी भी प्रिंसिपल है एंड पार्टनर ए एजेंट है. इसका मतलब क्या है, कोई भी काम करे लायबिलिटी तो सबके ऊपर आने वाली है, बात समझा? ओके, विल मूव फॉरवर्ड. ओके, सो देखो, पार्टनर्स एक्ट एज अ प्रिंसिपल ऑफ द फर्म विद आउटसाइडर्स एंड विद अदर्स पार्टनर्स ही एक्ट एज एन एजेंट, ठीक है. बाहर के साथ वो प्रिंसिपल जैसा एक्ट करेगा एंड अंदर के साथ वो एजेंट के जैसे एक्ट करेगा. तो ये भी लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होती है यहाँ पे, ये सब आपको बुक में लिखना है, ठीक है. सो ये कवर कर दिया हमने फीचर्स. लास्ट है डिसॉल्यूशन. डिसॉल्यूशन, अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व थ्रू अग्रीमेंट. अग्रीमेंट के थ्रू पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है. डिसॉल्व मतलब बिजनेस बंद हो जाना, डिसॉल्व मतलब बिजनेस का ऑपरेशंस बंद हो जाना बिटवीन अ पार्टनर्स. इफ पार्टनर्स वॉन्ट्स टू क्लोज द फर्म, he can dissolve the firm by giving 14-day notice. अरे बाबा, ये देखो आया खतरनाक सा नॉलेज. 14-day notice मतलब अगर पार्टनर को फर्म को बंद करना है, फर्म को डिसॉल्व करना है, तो उसको कितने दिन पहले नोटिस देनी पड़ेगी? 14 days पहले, ठीक है. 14 days पहली नोटिस देनी पड़ेगी. 14 days अगर पहली नोटिस नहीं दिया उसने तो वो फर्म डिसॉल्व वैलिड नहीं कहलाएगा. आगे क्या लिखा है, द फर्म कैन ऑल्सो बी डिसॉल्व इफ अ पार्टनर डाइज और रिटायर्स बिकम्स इंसॉल्वेंट और इनसीन. अगर पार्टनर रिटायर्ड होते हैं, इंसॉल्वेंट होते हैं या पागल हो जाते हैं, इनसेन हो जाते हैं, तो इस केस में जो फर्म है ये भी डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है.
अगर कोई पार्टनर फर्म से निकलना चाहता है, ये जो 14 डेज वाला नोटिस दिया ना, वो मैं आपको फिर से समझाता हूँ। ये एक पार्टनर है, ये फर्म से भी तंग आ चुका है, बहुत थक गया है अभी, मुझे नहीं करना नहीं करना नहीं करना, तो ये फर्म से निकल सकता है। लेकिन निकलने के पहले उसको कितने दिन पहले नोटिस, कितने दिन की नोटिस देनी पड़ेगी, 14 डेज की नोटिस देनी पड़ेगी टू द अदर पार्टनर्स। एंड सेकेंड, बाहर बाहर के लोगों को भी नोटिस देना पड़ेगा। तो न्यूज़पेपर में, कोई भी एक न्यूज़पेपर में हम लोग इसकी नोटिस जारी कर देंगे, ठीक है। देखो न्यूज़पेपर में कभी कभी आता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ये पार्टनर रिटायर्ड हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है, या डेथ हो गई है पार्टनर की, तो आपको नोटिस देने पड़ेगा। डेथ के केस में नोटिस, प्रायर नोटिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हमें पता नहीं है ना, हम लोग 14 दिन के बाद मरने वाले हैं, तो उसमें नोटिस का पीरियड नहीं है। लेकिन आफ्टर डेथ आपको ये प्रोवाइड करना पड़ेगा कि हमारा जो पार्टनर है वो अभी नहीं रहा है, लेकिन आप रिटायर्ड हो रहे हो, तो आपको 14 डेज की नोटिस का जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल हो जाता है। सर, अगर 14 डेज का नोटिस हमने नहीं दिया तो क्या होगा? देखो बॉस, अगर 14 डेज का आपने नोटिस नहीं दिया है, एकदम क्लियर एग्जांपल देता हूँ, यही एग्जांपल मैं बताता हूँ। ये पार्टनर ने रिटायरमेंट लिया, मतलब बिजनेस से बाहर निकल गया, 1 अप्रैल 2020 में, ठीक है। अभी इसके पहले हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 10 जुलाई 2019 को वो रिटायर्ड हो गया, मतलब वो बिजनेस से निकल गया, तो उसको नोटिस कितने दिन पहले देने चाहिए थी? अपन और भी इजी कर लेते हैं, इसको लिखते थे 15, तो 1 तारीख को उसको नोटिस देनी चाहिए थी, बराबर है। लेकिन उसने नोटिस नहीं दिया, तो अभी नोटिस नहीं दिया, लेकिन रिटायर कब हुआ है? 15 जुलाई 2019 को। तो ये डेट के बाद जितनी भी लाइबिलिटी फर्म के ऊपर अराइज होगी, क्या वो लाइबिलिटी को पे करना पड़ेगा क्या ये पार्टनर को? तो आंसर है यस, बिकॉज आपने नोटिस नहीं दिया है, इसका मतलब आप रिटायर्ड नहीं हुए हो, आपका अभी भी संबंध फर्म के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा माना जाएगा, एंड लाइबिलिटी आपके ऊपर थोप दी जाएगी, बात समझा। एंड लेकिन अगर आप नोटिस इशू करते हो तो आप अपने लाइबिलिटी से मुक्त हो जाते हो, क्लियर है, पक्का, ओके। सो ये रहा लाइबिलिटी वाला केस, 14 डेज वाला याद रखना, 14 डेज वाला प्रोविजन अपने सिलेबस में है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पार्टनरशिप डीड, मैं थोड़े इसके रियल फैक्ट दिखा देता हूँ, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, इसके बाद बस कुछ सैम्पल्स है। सो दिस इज लाइक, ये दिखता है पार्टनरशिप डीड, इंडिया नॉन जुडिशियल, जैसे हम लोग को बुक में भी दिया हुआ है डीड ऑफ पार्टनरशिप, मेरे पास इसका फॉर्मेट भी है आपको लोगों को दिखाने के लिए प्रैक्टिकल, ऐसा होता है पार्टनरशिप डीड। तो वीडियो पॉज करके आप ये सब पढ़ सकते हो आराम से, मैं पर पूरा दिखा देता हूँ आपको, पार्टनरशिप डीड का ये कंटेंट है। फिर यहाँ पे बोला है किस किस के बीच में हुआ है, कभी हुआ है, फिर दिस डीड विटनेसेस अंडर, ये सारे रेगुलेशंस उन्होंने लिखे हुए हैं, फिर कितना कैपिटल इन्होंने डाला है स्टार्टिंग में ये लिखा रहेगा, वर्किंग पार्टनर कौन है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन। आराम से वीडियो को स्टॉप करके इसको पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। एंड लास्ट में पार्टी ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड पार्टी ऑफ द सेकेंड पार्ट, लाइक विटनेसेस एंड सिग्नेचर दोनों लगेंगे, ठीक है। तो ये रहा प्रैक्टिकल, अभी चलते सिलेबस में क्या दिया है। सो सेम प्रकार का इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो व्हाट इज़ द पार्टनरशिप डीड, हमने ऑलरेडी पढ़ लिखा है, हम लोग बहुत स्मार्ट है। क्या लिखा है सर? द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ योर सिलेबस। द डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट है जो क्या कंटेन करता है, द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द पार्टनरशिप अग्रीमेंट अमॉन्ग पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द पार्टनरशिप अग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। याद रखना, ये आएगा ही आएगा एग्जाम में। देन इट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशन विच आर अग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टनर्स। क्या बोला है? इट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशन विच आर अग्रीड अपॉन। क्या रहेगा इसके अंदर? सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, ठीक है। किसने अग्री किए होंगे? अग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टनर्स, जो पार्टनर ने अग्री किए वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। एन एग्रीमेंट में
मे बी रिटर्न और ओरल, बट वेन इट इज रिटर्न इट्स कॉल्ड डीड, करेक्ट। चलो, अ पार्टनरशिप एक्ट डजेंट मेक कंपल्सरी टू हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट। देखो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको ट्रू एंड फॉल्स में कि पार्टनरशिप एक्ट सजेस्ट या पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड दैट अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर शुड बी इन अ रिटर्न फॉर्म। आंसर क्या है? नो, पार्टनरशिप एक्ट डजेंट मेक कंपल्सरी टू हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट। हाउएवर इन केस ऑफ डिस्प्यूट अमोंग द पार्टनर्स इट इज ऑलवेज इन द बेस्ट कोर्स टू हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट ड्यूली साइंड बाय द ऑल रिस्पेक्टिव पार्टनर्स एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, मतलब रजिस्टर ऑफ फर्म्स में जाके। पार्टनरशिप डीड कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। बोलो किस लिए रूल बनाए जाएंगे? इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द फर्म मतलब बिजनेस के अंदर कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, कौन सा पार्टनर कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करेगा, कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी रूल इंटरनल फॉर्म में होंगे, इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होंगे, वो सारे रूल्स आपके डीड में लिखे जाएंगे, ठीक है। इट इज ऑल्सो एन आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। इसको आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाएगा, जैसे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है कंपनी के केस में, वैसे यहाँ पे आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। अभी कौन से कंटेंट, मतलब इसके अंदर एग्जैक्टली क्या क्या छुपा होता है? तो पहला, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस। समझे? बिजनेस का नाम, एड्रेस एंड क्या इसका मेन बिजनेस है। नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। सारे लोगों का नाम, सारे लोगों के एड्रेस एंड पार्टनरशिप कब तक रहेगी, उसका ड्यूरेशन अगर है तो आप लिख सकते हो। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, कंटेंट जो है ना पार्टनरशिप डीड का, ये कोई ऐसा ही बनाना है आपको, ये प्रिस्क्राइब्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके म्यूचुअल कंसिडरेशन से, म्यूचुअल एक साथ बैठ के आप जो डिसाइड करोगे वो आप कंटेंट बना सकते हो। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ऑल पार्टनर, हर एक बंदा कितना लाएगा, रेशियो इन विच प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड। गाइस मुझे बताओ, अगर ये रेशियो यहाँ पे नहीं लिखा है तो क्या होगा रेशियो? एग्जैक्टली, रेशियो विल बी इक्वल इफ इट इज नॉट मेंटेन, इफ इट इज नॉट मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड, ठीक है। राइट्स ड्यूटीज लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर्स, क्या अधिकार होंगे, क्या उनकी ऑब्लिगेशंस होंगी। प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिशन रिटायरमेंट डेट ऑफ पार्टनर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका मैं नेक्स्ट सेशन में बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन्स, ड्रॉइंग्स के ऊपर तब करेंगे बात इसके ऊपर। सैलरी कमीशन के बारे में भी बात करेंगे। सेटलमेंट ऑफ, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर पार्टनर ने लोन दिया है या पार्टनर्स के कैपिटल के ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट देना चाहिए, सैलरी कितनी देनी चाहिए, कमीशन कितना देना चाहिए, ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होना चाहिए। किसमें होगा? वो पार्टनरशिप डीड के अंदर, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म बंद होने के बाद हम लोग कैसा सेटल करेंगे, सारे अकाउंट्स कैसे बंद करेंगे, कितने पार्टनर को कितना हम लोग रिटर्न देंगे। मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स, कौन सी मेथड हम लोग फॉलो करेंगे डिस्प्यूट्स के लिए, सेटलमेंट के लिए, एंड एनी अदर मैटर रिलेटेड टू द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। जो भी इंपॉर्टेंट मैटर है, जो बिजनेस के एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग पार्टनरशिप डीड में रजिस्टर्ड करेंगे, लिख देंगे। पार्टनरशिप डीड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बिकॉज इट इज़ रिटर्न अग्रीमेंट which contains all terms and conditions of a partnership business. यहाँ तक समझ में आया? बहुत important document क्यों है? Because ये लिखित form में है, written agreement है, and जिस agreement के अंदर, जिस document के अंदर सारे rules and regulations लिखे हुए हैं। आगे जाके किसी partner के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो लड़ाई झगड़ा solve करने के लिए ये partnership deed काम आएगा। It forms the basis of mutual relationship among the partners. It forms the basis of mutual relationship among the partner. देखो पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कभी नहीं कहेगा कि ऐसा ही रिलेशन होना चाहिए, हर पार्टनर को ये चीज़ करना कंपलसरी है, ऐसा वो कभी नहीं कहेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपस में जो इनका मेन कंसिडरेशन है, म्यूचुअल रिलेशनशिप मतलब हम लोग आपस में, हम लोग जैसे डिसाइड करेंगे वैसे होगा, मतलब सबके सम्मति से, वैसा उसको बोलेंगे म्यूचुअल रिलेशनशिप, ठीक है। हाउएवर पार्टनरशिप डीड रेगुलेट्स द राइट्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ऑल पार्टनर्स एज वेल एज ऑफ द फर्म। सो बाय हैविंग पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स डिस्प्यूट्स इन फ्यूचर मे बी अवॉइडेड। मतलब पार्टनरशिप डीड होगा तो कोई पार्टनर्स झगड़ा नहीं करेगा, ठीक है। नॉर्मली फेस टू फेस बैचेस में मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ ऑलवेज, कि पार्टनरशिप डीड बहुत क्यों ज़रूरी है।
तो कैसा है, मैं यहाँ पे भी एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको अच्छा भी लगेगा एग्जांपल सुन के। एक होटल है, जो होटल में तीन दोस्त मस्त चाय पानी पीने के लिए बैठे हैं, ठीक है। अभी मैं दोस्तों का चेहरा निकाल रहा हूँ। अभी वीडियो स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो, बिकॉज वॉइस इज़ नॉर्मल, तो आपका टाइम बहुत अच्छे तरीके से इसमें इन्वेस्ट हो सकता है। थोड़ी ड्राइंग मेरी खुद कार्टून जैसी है। ये रहा, ये आपस में देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। अभी ये जो बंदा ना बीच वाला, इसको ना टॉक्सिकेशन की बहुत आदत है, इंटॉक्सिकेशन मतलब बियर पीने की बहुत ज़्यादा आदत है। तो ये थोड़ा अपने धुन में चला गया, टिंग डिंग 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 टिंग, एकदम फुल जन्नत में है, ठीक है। और ये दो पार्टनर्स है जो नॉर्मल इंसान है, रैशनल है, अभी रैशनल है, ड्रंकड नहीं है, ठीक है। अभी ए पार्टनर, बी पार्टनर एंड सी पार्टनर आपस में बैठे हुए हैं और एकदम जोश में, अपन करेंगे धंधा, अपन करेंगे धंधा, अपन करेंगे बिजनेस, ये वो, अंबानी को पीछे छोड़ेंगे, ये वो, बहुत बड़ी बड़ी बातें ये होटल में बैठे बैठे कर रहे हैं और बहुत जोश आ जाता है इनमें। तो ये बोलते हैं कि आप लोग बहुत काम करेंगे, बहुत हार्डवर्क करेंगे, ये वो करके डिसाइड हो जाता है हार्डवर्क करना। फर्स्ट ईयर ऑफ पार्टनरशिप, पता है इनको कितने का प्रॉफिट होता है? पूरे 100,000 रुपये का। तो ये लोग क्या करते हैं, इसमें से 10,000 बाजू में निकाल के रखते हैं बिजनेस के लिए और 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं तीनों में, ठीक है। 30,000, 30,000, 30,000, ये के मतलब 1,000, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट ईयर ये जो बंदा है सी, इसका हो जाता है शुभ मंगल सावधान, शादी हो जाती है। ओहो, जो इसका चेहरा देखो, टिंग निंग, शुभ मंगल सावधान हो गए, शादी हो गई। अभी इसका जो काम में मन है, जो इन्वॉल्वमेंट है, जो हार्डवर्क है ना, बहुत कम होने लग गया, ठीक है। इसकी वाइफ कहती है, पहले आप ओ जी सुनो, आप पहले अकेले थे तब 30,000 ले रहे थे, अभी मैं आपके साथ हूँ, आपका खर्चा बढ़ गया है, आप काम तो उन दोनों से ज़्यादा करते हो, जाओ और मांगो पैसा, ज़्यादा आपको मिलना चाहिए। एंड लिटरली गाइज, ये जो बंदा है ना सी, ये लिटरली 22 घंटा काम करता था, 2 घंटा सोता था, इतना हार्डवर्क इसने बिजनेस में किया है। देखो मैंने स्टोरी में क्या बताया, इन्होंने डीड वीड कुछ नहीं बनाया, एग्रीमेंट वगैरह कुछ नहीं, जोश में थे, करेंगे धंधा, करेंगे बिजनेस ऐसे करके, ठीक है। अभी ये जाता है पार्टनर्स के पास, ओ भाई सुनो, ए बी को बोलता है कि अभी मेरी शादी हो गई, आपको पता है, और लोड बहुत ज़्यादा है, घर में खर्चा पानी के लिए पैसे लगते हैं, तो एक काम करो, मैं जब से ज़्यादा हार्डवर्क करता हूँ अपने बिजनेस में, तो प्लीज़ आप मुझे ज़्यादा पैसे दे दो। ए एंड बी बोलता है, ओ हमने थोड़ी बोला था शादी करने के लिए, तूने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, अभी तू भुगत। सी को आ जाता गुस्सा, बोलता अरे ए एंड बी, तुम लोग को समझता नहीं, मैं 22 काम करता, तुम लोग आते हो 5 घंटे में घर पे चले जाते हो, ऐसा नहीं, मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ। तो आपको मुझे क्वेश्चन है, ये झगड़ा सॉल्व कैसे होगा? तो आप बोलेंगे, सर इनके बीच में स्टार्टिंग में कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ था, लेकिन हमें तो ऐसा लग रहा है सर, ये जो सी है ना, ये 22 घंटा काम कर रहा है बेचारा, तो इसको ज़्यादा मिलना चाहिए। बच्चों ऐसा नहीं है, आप लोग भावना में आ गए। इसका आंसर है, ये जो सी है वो डिमांड नहीं कर सकता, क्यों? बिकॉज देर इज़ नो एग्रीमेंट, इधर बाय ओरल और बाय रिटन, बात समझा? तो डिस्प्यूट सॉल्व होगा ही नहीं इनका। इसके लिए आपके क्लाइंट, आप फ्यूचर में जब कंसल्टेंट बनोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे या बड़े प्रोफेशनल बनोगे, तो आपके क्लाइंट को आपको क्या एडवाइस करना है, इट शुड बी ऑलवेज इन रिटर्न फॉर्मेट। क्लियर है, समझा स्टोरी? ओके ठीक है। सो पार्टनरशिप डीड हमने कवर कर लिया है, हेंस इट इज ऑलवेज इन अ फेवर टू हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट दैट इज अ पार्टनरशिप डीड duly signed by all partners and registered under the Partnership Act 1932. Registered कहाँ करेंगे बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, ROF में, Register of Firms, clear है। So with this हम लोग आज रुकेंगे यहाँ पे, next session में हम लोग cover करेंगे provision of Partnership Act, and मैं आपको बता दूँ, ये आपके portion का सबसे ज़्यादा important 1.2 है
पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, आपको बोलूँगा कि ये जो वीडियो है, अगर आपके दो वीडियो पीछे के दो वीडियो आपको अच्छे लगे रहेंगे, आपको समझ में आया रहेगा, अच्छे से आपके घर भी पढ़ाई आपका 20 मिनट्स 30 मिनट्स इन्वेस्ट करके आप अच्छे से पढ़ाई आपकी हो रही है, तो आप इस वीडियो को शेयर करो। जितना शेयर होगा तो क्वारंटेक आपको पता ही चल गया रहेगा कि एक्सटेंशन हो चुका है महाराष्ट्र के अंदर, तो जितना ज़्यादा वीडियो आप अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाओगे, जितने ज़्यादा नीचे कमेंट्स करोगे, तो कमेंट्स के द्वारा मुझे ये समझेगा कि आपको और कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है। ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू आगे चलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि हर टाइम व्यूज़ बच्चे जो जुड़ेंगे हमारे साथ उनकी मात्रा ज़्यादा हो, ये आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये शेयर जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना, तो बेल आइकॉन दबा दो, क्योंकि बेल आइकॉन दबाने के बाद जो भी वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। नहीं तो कैसा होता है, कुछ बच्चे सिर्फ सब्सक्राइब करके रखते हैं, बेल आइकॉन को प्रेस नहीं करते, तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो ये उम्मीद के साथ पढ़ाई करिए, सेफ रहिए एंड आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बी सेफ एंड बी मस्तीखोर। ठीक है, बाय बाय।